हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु सहाय और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक लेमन की कटिंग को आप लोगों को ये जो मौसमी है इसके अंदर ग्रो करके दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग भी बहुत ही आसानी से ऐसा कर सको। और ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, जब तक मैं इसकी सक्सेस रिजल्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तब तक आप लोग इसे ट्राई मत कीजिए। जैसे कि मैं हर एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वैसे भी ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसके अंदर मैं जो ये लेमन की कटिंग है इसको ग्रो करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे इसके अंदर की जो हिस्सा है वो मैं निकाल दूंगा, वो हमें नहीं चाहिए। अगर सीड वगैरह रह जाएगा तो वो भी ग्रो हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे तो इसको मैं अभी रख देता हूँ। और ये आप लेमन की कटिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे काट लूँगा और इसको भी यहाँ से और इसको मैं कट लगाऊंगा यहाँ से इस तरह से। और अब इसको यहाँ से ऐसे थोड़ी सी सिल दूँगा। और इस पर मैं कोई भी रूटीन हार्मोन नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही मैं इसको ग्रो करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप देख सकते हो ये सिर्फ कोकोपीट है, कोकोपीट। और थोड़ी सी मात्रा में मैंने इस पर गार्डनिंग सॉइल मिला दिया है। तो ये मैं इसके अंदर ऐसे रख दूँगा और उसके बाद मैं इसके लेमन की कटिंग को ऐसे बस इस तरह से मैं इस लेमन की कटिंग को ऐसे लगा दूंगा। और उसके बाद ये आप पॉट देख सकते हो, इसी में मैं इसको ग्रो करूंगा। और ये जो पत्ते हैं ये पॉट के नीचे मैं रख दूंगा क्योंकि ये धीरे धीरे ये बाद में कंपोस्ट बन जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सॉइल मैंने बनाया है वो सॉइल इसमें भर दूंगा ऐसे बस इस तरह से। और अब मैं ये आप देख सकते हो इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख के जो सॉइल मैंने बनाया है वो भर दूंगा। अब मैं इस पर पानी दे दूंगा। और फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पर सूरज की रोशनी कम आती हो
तभी ये ग्रो करेगा, नहीं तो अगर इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ जाएगी तो ये जो कटिंग मैंने लगाया है ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसी की वजह से मैं इसको 1 महीने के लिए छांव में रख दूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से ग्रो होता है। तो इस टेक्निक से मैंने 2 साल कटिंग और लगाया है, उन तीनों में से जो भी सक्सेस होता है वही मैं आपको दिखाऊंगा। सेम टेक्निक से मैंने 2 साल कटिंग और लगा के रखा है, जो भी पहले सक्सेस होगा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो टेक्निक सेम होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात इसकी जो सॉइल है वो है, इसकी जो सॉइल आपको लेनी है वो कोकोपीट लेनी है 50% और 25% आप नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले सकते हो, उसमें 25% आप रिवर सैंड मिला सकते हो। जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ गार्डनिंग सॉइल में ही लगा दोगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, और हो सकता है आप अगर आप सिर्फ कोकोपीट में लगा दोगे तब भी ये हो सकता है ग्रो नहीं करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हर कटिंग के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले सकते हो या फिर 50% आप रिवर्सन ले सकते हो, या फिर 50% कोकोपीट या फिर 50% रिवर्सन या फिर 50% कोकोपीट 50% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, यही होता है कटिंग की बेस्ट सॉइल। और लेमन की कटिंग को आप सिर्फ रिवर्सन में भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन रिवर्सन को भिगो के रखना होगा, ड्राई नहीं होनी चाहिए तभी कटिंग ग्रो होगा। रिवर्सन भी आप ग्रो कर सकते हो लेकिन उसे भिगो के रखना होगा, ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब ये सक्सेस हो जाएगा तो इसके सक्सेस रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जो प्लांट को मैंने मौसमी में लगाया था, इसको भी मैंने मौसमी में लगाया था, तो इसकी रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ये जो कटिंग मैंने लगाया था इसको निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सक्सेस हुआ है। वैसे देख के तो ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो रूट है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे छीरे से निकाल के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये सक्सेस हो गया है, इसकी रूट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से ये सक्सेस हो गया है, और ऊपर आप ब्रांचेस देख सकते हो कितना हेल्थी ब्रांचेस निकल गया है। तो कुछ ही दिन में ये बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो गया है। तो जो मौसमी मैंने अंदर डाला था तो उसे निकाल के एक बार वो लगता है पूरी तरह से सड़ गया है। तो फ्रेंड्स ये है वो छिलका, आप देख सकते हो और भी होगा शायद। आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से ये सक्सेस हो गया है, और जो मौसमी की अंदर मैंने लगाई थी उसका जो सिल्का था वो ऐसे सर के ये टूट गया है, ये आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो अगर आप चाहो तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी टू ये कटिंग इस टेक्निक से ग्रो हो जाता है। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट वीडियो था जो मैंने सक्सेस करके आप लोगों को दिखा दी। तो आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी टू ग्रो हो जाता है। अगर आप लेमन की कटिंग को लेमन की सिल्के हो या फिर मालदा की सिल्के हो या फिर मौसमी की सिल्के हो उसके अंदर आप लगाओगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो रूट, आप देख सकते हो ब्रांचेस, आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी ये कटिंग जो है ये सक्सेस हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।